हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने हम इस वीडियो में लेकर आए हैं तत्पुरुष समास का उपभेद। और उपभेद कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास, हम कहते हैं इसको उपपद तत्पुरुष समास। तो आज हम उपपद तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है कि आपको हिंदी के शब्दों से प्यार हो जाएगा और आप हर शब्द की मीमांसा करना शुरू कर देंगे और उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और तुरंत पता लगा लेंगे कि अमुक शब्द जो है इसका अर्थ ये है और इसमें संधि ये है, इसमें समास ये है और इसका संपूर्ण अर्थ ये है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा तत्पुरुष समास का उपभेद है उपपद तत्पुरुष समास। उप मैंने होता है छोटा, उप मैंने क्या होता है छोटा, और पद मैंने पद, जो बहुत ही छोटा पद होता है, बहुत ही छोटा पद होता है, या फिर कह लीजिए एक वर्ण होता है, लेकिन उसका अर्थ इतना विशाल होता है कि आप भी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका अर्थ इतना बड़ा होता है। एक छोटे से वर्ण का, एक छोटे से व्यंजन का इतना अर्थ होता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। तत्पुरुष समास का वह रूप, तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें उत्तर पद, हम बात करें उत्तर पद की, कोई ऐसा होता है जो अपने आप में सार्थक होता है, जो अपने आप में सार्थक होता है परंतु वाक्य में और भाषा में, देखो वाक्य में और भाषा में इसका स्वतंत्र प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी इसका स्वतंत्र प्रयोग वाक्य में और भाषा में नहीं होता है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। चलिए आगे सोचते हैं और बढ़ते हैं। और देखिए, मैंने कहा कि तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें कोई उत्तर पद ऐसा होता है जो अपने आप में सार्थक होता है, अर्थ तो वो लगता है अपने आप में, लेकिन उसका वाक्य में और भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यानी वो वाक्य में ज्यों का त्यों नहीं आ सकता है, किसी पद के साथ लगेगा तो उसका अर्थ बन जाएगा। हमने कहा उपपद, उप मैंने छोटा, पद मैंने पद, ऐसा छोटा पद, जैसे मैं अगर बात करता हूं ख एक हमारा वर्ण है और ग एक हमारा वर्ण है, अब देखिए दोनों को मैंने लिख दिया एक साथ, यानी आप लगा लीजिए जिसके बाद में ग होगा, जिस पद के बाद में ग होगा और उसका अर्थ होगा गमन करने वाला या फिर चलने वाला। भाई चलने वाला गमन करना एक ही बात है, गति करने वाला, ठीक है। अब देखिए ख, ख का क्या अर्थ है? ख मैंने होता है आकाश। अब देखिए ख का अर्थ आकाश, आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। ख मैंने आकाश की ओर, की ओर, गमन गमन, गमन करने वाला, तो इसका मतलब क्या हो गया? पक्षी, हम पक्षी को ही खग कहते हैं, ठीक है। अब ख के बाद मैंने ग लगाया तो इसका अर्थ बन गया, ठीक है। फिर मैंने कहा उरग, उरग, अब यहां देखिए ग लगा दिया इसके बाद में मैंने, तो ग का अर्थ क्या होता है? गमन करने वाला। और यहां देखिए उर, उर का अर्थ है छाती, उर का अर्थ क्या था? छाती से गमन करने वाला, तो क्या हो गया? सर्प, क्या हो गया? सर्प, जिसे हम तत्वों में सांप कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए भुजग, भुजग, अब आप इसे क्या बोलते हैं? भुजंग, ये गलत है, ये भुजंग शब्द नहीं है, ये है भुजग, लेकिन हमने जब से हम पैदा हुए हैं, जितने भी हमारे टीचर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं रही हैं, सभी ने हमें भुजंग कहा कि भुजंग मैंने सांप होता है, जबकि भुजंग मैंने सांप नहीं होता है। यहां देखिए भू, भू का अर्थ है भुजा, ठीक है,
भोग अर्थ क्या हो गया? भुजा। भुजा से गमन करने वाला, भुजा से गमन करने वाला, करने वाला, भुजा से गमन करने वाला, यह भी सर्प ही होता है। ठीक है, की रखे। फिर देखिए हमारा ज आता है, ज हमने इसकी बात कर ली ग की। ग का अपना कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र प्रयोग करें इसका हम तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने इसको पद के साथ जोड़ दिया खग, ख मैंने आकाश की ओर गमन करने वाला पक्षी, उर उरग, उर मैंने छाती से गमन करने वाला सर्प, मैंने यह ग लगाया बीच में। अब उर का अपना कोई, अगर इसको हम ग को कहीं अकेला प्रयोग कर ले तो इसका कोई अर्थ नहीं है, और जैसे मैंने इसको उपपद के साथ जोड़ दिया तो इसका अर्थ निकल कर आ गया, खग उरग और भुजग। अब देखते हैं ज की बात करते हैं। देखिए ज को जो है जब मैंने जल के साथ जोड़ दिया, ठीक है, ज का अपना अर्थ होगा, जैसे हमारा ग का अपना अर्थ क्या हुआ, ग का अर्थ हमारा क्या हुआ, ग का हमारा अर्थ हुआ गमन करने वाला या चलने वाला, ठीक है, और हमारा ज का अर्थ क्या होगा, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब आप यहां देखिए जलज, तो जलज का अर्थ क्या हो गया, जल में जन्म लेने वाला, ठीक है। फिर देखिए आप मनोज, हालांकि मनोज जो है हमारा अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण भी होता है, ठीक है। फिर देखिए मनोज क्या है, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, लेने वाला, ठीक है। फिर आप देखिए सरोज, सर मैंने क्या होता है, तालाब, तो तालाब में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे हमारे, सरसिज है, मनसिज है, मनोज है, सरोज है, नीरज, नीर मैंने जल, नीर में जन्म लेने वाला, ये सभी के साथ हमारे क्या बनने हैं, कमल के पर्यायवाची बनने हैं, किसके बनने हैं, कमल के पर्यायवाची। फिर देखिए वारिज, वारी मैंने क्या होता है, जल, वारी में जन्म लेने वाला। फिर देखिए आप अंबुज, अंबुज मैंने क्या होता है, अंबु मैंने होता है जल, तो ये भी है जल में जन्म लेने वाला। फिर देखिए नी नीरज हो गया, वारी अंबुज हो गया। फिर देखिए तोए, अगर हम तोयज की बात करें, तोय मैंने क्या होता है, पानी जल, ठीक, तोयज मैंने क्या, तोय मैंने जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो स्पष्ट हो गया कि जग का अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला। अब देखिए जग का जो है अपना कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसी पद को जोड़ दिया, मैंने जल में ज जोड़ा, मनो में ज जोड़ा, सर में ज जोड़ा, नीर में ज जोड़ा, वारी में ज जोड़ा, अंबु में ज जोड़ा, तोय में ज जोड़ा, तो स्पष्ट निकल कर आ गया कि जल में जन्म लेने वाला, मनोज मन में जन्म लेने वाला। इस प्रकार से हमारे समास विग्रह में निकल कर आया कि जितने भी हैं हमारे, अब आप यहाँ देख लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी में कमल निकल कर आ रहा है। क्या निकल कर आ रहा है, कमल। ऐसे हमारा क्या होता है, पंख, पंख मैंने क्या होता है, कीचड़,
पंख में ना क्या होता है कीचड़, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। एक विशेष अर्थ भी निकल कर आता है यहाँ, तो एक बहुपुरी समास का उदाहरण बन जाता है। सभी में देखिए आप कमल निकल कर आ रहा है, कमल सभी में, कमल 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 सभी में कमल निकल कर आ रहा है। अंबुज, जोएज, तोएज, पंकज, वारिज, नीरज, सरोज, जलज, ये सारे के सारे जो हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ध्यान दें, जितने भी हमारे जल के पर्यायवाची हैं, अंबु है, वारी है, नीर है और तोय है, ठीक है। अगर इसमें हमने ज लगा दिया, इनके बाद में आप इस पर देख रहे हैं, यदि इनके बाद में हम ज लगा दें तो ये बन जाते हैं कमल के पर्यायवाची, ठीक है, ठीक है। अगर इनमें द लगा दें हम बाद में तो ये बन जाते हैं बादल के पर्यायवाची, अम्बुद, वारिद, नीरद, तोयद। तो इनका क्या हो जाएगा, द मैंने क्या हो गया, देने वाला। अब हम द की बात करेंगे तो द होगा देने वाला। हम धीरे धीरे सभी को लेंगे, प का अर्थ होगा प का, ये तो पालन करने वाला, पालन करने वाला, या फिर होगा पान करने वाला, पान करने वाला नहीं पीने वाला, ठीक है। फिर आप देखिए, पहले हम लेते हैं मधुप, यहां प लगाया हमने, ठीक है। फिर देखिए आप महीप, यहां हमने प लगाया। फिर आप देखिए द्वीप, यहां हमने प लगाया, ठीक है, द्वीप। और फिर एकदम भूप, प लगाया। फिर देखिए आप निरप, प लगाया। अब देखिए यहाँ प का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ प का अर्थ देख लीजिए, मधुमेह क्या होता है, शहद, यानी मधु का पान करने वाला, मधु का पान करने वाला यानी पीने वाला, ठीक है। फिर देखिए मही, मही में क्या होती है, धरती या पृथ्वी, धरती का पालन करने वाला, धरती का भोग करने वाला कर लीजिए, पालन करने वाला, पालन करने वाला, ठीक है। फिर देखिए द्वीप, द्वीप मैंने दो बार, द्वीप मैंने क्या होता है, दो बार पान करने वाला। अब दो बार पान कौन करता है, इसलिए द्वीप कहते हैं हाथी को, द्वीप किसे कहते हैं, हाथी को, दो बार पान करने वाला, एक बार सूंड से जल भरता है और फिर इसको अपने उदर में नहीं पेट में अंदर लेता है, इसलिए द्वीप किसे कहते हैं, हम हाथी को, ठीक है। फिर देखिए भू, भू मैंने पृथ्वी या भूमि, भूमि का पालन करने वाला या भूमि को भोग करने वाला, ठीक है। फिर देखिए निरप, नरों का पालन करने वाला। आप इस पर देख रहे हैं कि यहाँ किसी में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, प यहाँ हमने जोड़ा है प, और प का क्या अर्थ है, पालन करने वाला या फिर पान करने वाला। अब हम बात करते हैं द की। मैंने कहा था जितने भी हमारे जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है, अंबु है, वारी है, अंबु है हमारा, और एक हमारा हो गया वारी, एक हो गया हमारा नीर, एक हो गया हमारा तोय, ठीक है। अब आप देखिए इनमें हम द लगाते हैं, द लगाने से क्या होगा, द का अर्थ क्या हो जाएगा, देने वाला, द का अर्थ क्या हो जाएगा, देने वाला, ठीक है। तो हमने इसकी बात कर ले, इस पर आ गए हैं, द मैंने क्या होता, देने वाला। अगर यहां हम द लगा दें, यहाँ हमने द लगा दिया, यहाँ हमने द लगा दिया, यहाँ हमने द लगा दिया, और यहाँ हमने द लगा दिया। अब इनका आप समास विग्रह कीजिए, इस समास पद का, अम्बु मैंने जल,
जल देने वाला यानी के बादल, वारी मैंने क्या है जल वारी देने वाला यानी के होगा बादल। फिर देखे नीर, नीर देने वाला तो क्या हो गया बादल। फिर देखे तोए यानी के जल, जल देने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहां जो है हमें आसानी से मिल जा रहे हैं। अम्बुद मैंने द लगाया, अम्बुद में, वारिद में, नीर में, तोय में, तो यह गया अम्बुद, वारिद, नीरद और तोय। यानी यहां कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को भी एक बहुत ही पर्यायवाची याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमारे अम्बु में लगा दो अब ज, तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, अम्बुज, वारिज, नीरज, तोयज, ठीक है। और द लगा दो तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, अम्बुद, वारिद, नीरद और तोयद, ठीक है। आगे देखते हैं ज, देखिए ज का अर्थ है जानने वाला। क्या अर्थ है इसका? जानने वाला, जानने वाला, ठीक है। तो देखिए आप सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। फिर देखिए आप अल्पज्ञ, बहुत थोड़ा जानने वाला, ठीक है। वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला। फिर देखिए श्रुतज्ञ, श्रुतज्ञ, सुनकर जानने वाला। फिर देखिए आप विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, विशेष चीज को जानने वाला, ठीक है। और हमारा क्या है, फिर देखिए आप क्या हो जाएगा, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। अब आप आसानी से देख लीजिए इनमें हमने क्या लगाया है, ज। देखिए ज जो है वो कैसे बनता है, यहाँ ज देखिए और ये यहाँ देखिए, इसका निर्माण इससे होता है, ठीक है, दो से होता है क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है, तो हम इसको ज बोलते हैं, ज, ठीक है। जैसे हमने कहा ये, तो आप इसको बोलते हैं संज्ञा, जबकि है वो संज्ञा, क्या है ये संज्ञा। ऐसे देखिए यहाँ सर्वज्ञ, सब जानने वाला, ठीक है, सब जानने वाला, ठीक है, जो सब चीज को जानता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ा जानता है कहते हैं वो अल्पज्ञ है, ठीक है। फिर देखिए वेद, वेदज्ञ क्या होता है, वेद को जानने वाला, वेद को जानने वाला। फिर देखिए श्रुतज्ञ, सुनकर जानने वाला, सुनकर जानने वाला, जो सुनकर जानने वाला है उसे श्रुतज्ञ कहा जाता है। फिर देखिए विशेषज्ञ, विशेष को जानने वाला, विशेष को जानने वाला। अब यहाँ विशेष किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाषा विशेषज्ञ, वो भाषा को जानता है, ठीक है। गणितज्ञ, गणित को जानने वाला, और विशेषज्ञ यानी उस चीज के विशेष चीज को जानने वाला। फिर देखिए राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला, राजनीति को जानने वाला। आप इस पर देख सकते हैं यहाँ किसी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे नवचर, चर की बात करते हैं, नवचर, नव को चरने वाला, चर का मतलब चरने वाला, नवचर, जलचर, थलचर, ऐसे हो जाए, कार, कार मैंने करने वाला, गीतकार, गीत कृष्णा करने वाला, संगीतकार, संगीत कृष्णा करने वाला, ठीक है, मूर्तिकार, स्वर्णकार, ये इस प्रकार से हो जाते हैं, संगीतकार, स्वर्णकार, कुंभकार, मूर्तिकार, साहित्यकार। अब देखे इस, देखे यहाँ तटस्थ,
तट पर स्थित रहने वाला, तट पर रहने वाला, ठीक है। फिर देखिए वनस्थ, वनस्थ का अर्थ है वन में रहने वाला, स्थित रहने वाला कहिए, तट पर स्थित रहने वाला, ठीक है। और यह है वन में स्थित रहने वाला, वन में स्थित रहने वाला। फिर देख ग्रह, गृहस्थ, गृहस्थ का अर्थ है यानी घर में स्थित रहने वाला। फिर देखे स्वस्थ, स्वस्थ क्या है, स्वयं में स्थित, स्वयं में स्थित रहने वाला, स्वयं में स्थित रहने वाला। भाई व्यक्ति वही स्वस्थ रहेगा जो स्वयं में स्थित रहेगा, और जैसे स्वयं से बाहर निकल गया वो जाता है अस्वस्थ। तो स्वस्थ का क्या अर्थ है, स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित रहने वाला, यानी स्वयं पर ध्यान देने वाला। जो स्वयं पर अपने शरीर पर ध्यान देगा वो स्वस्थ रहेगा, और जैसे स्वयं से बाहर निकल गया वो अस्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। ग्रस्त हो गया, स्वस्थ हो गया, यहां देखिए इस्थ शब्द आया, इस्थ इस्थ इस्थ। तो इस प्रकार आप यहां देखते हैं कि उपपद तत्पुरुष समास जो है उसमें उप का अर्थ है छोटा, और पद मैंने होता है पद, बहुत छोटा पद होता है, और वो अपने आप में कहीं स्वतंत्र प्रयोग उसका नहीं होता है। जब वो किसी पद के साथ लग जाता है, आपको मैंने बता दिए हैं, ग का अर्थ है गमन करने वाला, ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, प का अर्थ है पाल करने वाला या पान करने वाला, द का अर्थ है देने वाला, ज का अर्थ है जानने वाला, चर का अर्थ है गमन करने वाला चलने वाला, कार का अर्थ है करने वाला, इष्ट का अर्थ है स्थित होने वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।